आई मीन अंकित गुप्त जैनवी झालावाड़। चलिए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि सेल क्या होते हैं, तो सेल टू टाइप्स के थे, कौन कौन से थे, फास्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड अनदर वन गैल्वेनिक सेल। क्लियर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और जो आपके इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो होते हैं गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ अपन डिस्कस करते हैं फर्स्टली इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, देन डिस्कस करेंगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो देखिए गैल्वेनिक सेल को समझने के लिए सबसे पहले अपन डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो देखिए आपने सेल में देखा होगा टू मेटल्स की रॉड जनरली अपन यूज करते हैं, उन्हीं को जनरली आप कहते हैं इलेक्ट्रोड। देखिए किसी भी सेल को प्रिपेयर करने के लिए टू पार्ट्स होते हैं, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रोड कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं उसके बारे में देखिए। मान लीजिए आपने एक मेटल का इलेक्ट्रोड लिया या मेटल की एक रॉड ली, इस मेटल की रॉड को मैं कहता हूं इलेक्ट्रोड, क्या कहता हूं इलेक्ट्रोड। अब इस इलेक्ट्रोड या मेटल की रॉड को किसी एक सॉल्यूशन में आप डिप करेंगे तभी ये वर्क करेगी। यानी अगर ये केवल एक इलेक्ट्रोड आप मान लेते हैं तो ये केवल एक रॉड है, और रॉड का कोई वर्क नहीं है जब तक उसको पूरा एक सेटअप नहीं दिया जाए। जब पूरा कंप्लीट एक सेटअप बन जाएगा तब ये मेटल की जो रॉड है ये कहलाएगी इलेक्ट्रोड। देखिए जनरली इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं, या तो मेटल के बने होते हैं या फिर बने होते हैं नॉन मेटल में केवल जनरली ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट किसका एलोट्रॉप है, तो ग्रेफाइट एलोट्रॉप है कार्बन का, और कार्बन क्या है मेटल या नॉन मेटल, तो जनरली जो नॉन मेटल है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आपको इलेक्ट्रोड जो बनाने हैं वो गुड कंडक्टर के बनाने होते हैं। तो अब यहाँ देखिए जो ग्रेफाइट है नॉन मेटल है बट ये गुड कंडक्टर होता है, क्या होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें इजीली कंडक्ट हो सकती है, और जिनमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है उनको आप बोलते हैं गुड कंडक्टर। तो मेटल तो जनरली सभी गुड कंडक्टर है, और नॉन मेटल में जो है वो है कार्बन, और कार्बन के भी डिफरेंट एलोट्रॉप्स होते हैं जैसे डायमंड है, फुलरिन है, ग्रेफाइट है, उनमें से केवल ग्रेफाइट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन ईच कार्बन एटम। जब आप इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप देखते हैं हर एक कार्बन एटम पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जिसकी वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप कह सकते हैं जो मेटल है वो आप यूज कर सकते हैं एज ए इलेक्ट्रोड क्योंकि आपको गुड कंडक्टर चाहिए, और नॉन मेटल में से जनरली आप क्या यूज करते हैं ग्रेफाइट। क्लियर, तो यहाँ दो टाइप के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं यूज, मेटल और ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट क्या है, जनरली कार्बन का इलेक्ट्रोड है, सॉल्यूशंस में जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं, और जो रिएक्शन नहीं करते हैं वो कहलाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्या कहलाते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। रिएक्शन नहीं करने का मतलब ये हुआ केवल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हैं, क्लियर, सॉल्यूशन में वायर में इस टाइप से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे पर रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड है। और मेटल के इलेक्ट्रॉन जनरली रिएक्शन करते हैं, इनको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, क्या कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो देखिए दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कौन कौन से, इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। क्लियर, एक्टिव इलेक्ट्रोड मेटल के जो रिएक्शन करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड जो नॉन मेटल ग्रेफाइट के जो रिएक्शन जनरली सेल के अंदर एज इलेक्ट्रोड रिएक्शन जनरली नहीं करते हैं केवल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं रिएक्शन नहीं हो रही है, तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा आगे जैसे जैसे अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मेटल में देखिए एक मेटल होती है जो नोबल मेटल्स है, कौन सी मेटल्स होती है नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स के बारे में आप सभी जानते हैं, नोबल मेटल कौन है, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब क्या है नोबल मेटल है, और नोबल मेटल रिएक्शन नहीं करते। तो नोबल मेटल में से जनरली अपन प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, किसका इलेक्ट्रोड यूज करते हैं प्लेटिनम। अगर आपने मेटल में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज कर रखा है तो ये भी रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि नोबल मेटल है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह। तो आप कह सकते हैं जनरली जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां जनरली सभी मेटल के इलेक्ट्रोड एक्टिव होते हैं, अगर आपको इनएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करना है यानी कि प्रोसेस में रिएक्शन नहीं करानी है केवल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने हैं तो आप इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं।
और इनर्ट इलेक्ट्रोड किसके हो सकते हैं, या तो मेटल में प्लेटिनम के और नॉन मेटल में ग्रेफाइट के। तो ये आप आगे ध्यान देंगे, बस इतना ध्यान दीजिए कि मेटल के इलेक्ट्रोड जनरली एक्टिव रहेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, सेल में या इलेक्ट्रोड में जहां भी रिएक्शन होती हैं हाफ सेल में सब जगह पार्टिसिपेट करेंगे। और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स इनर्ट होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, यानी इनका कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि इनके कंपोजिशन में चेंज आएगा। क्लियर? और मेटल में अगर आप प्लेटिनम लेंगे तो ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसके कंपोजिशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए अब अपन बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रोड। सपोज कीजिए आपने कोई मेटल का इलेक्ट्रोड लिया, मान लीजिए आपने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है। किसका इलेक्ट्रोड लिया है? जिंक, यानी जिंक मेटल से बना हुआ है। तो अगर आपको जिंक का इलेक्ट्रोड यूज करना है तो यहाँ आप जिंक का ही सॉल्यूशन लेंगे, तो जिंक आयन का आपको सॉल्यूशन चाहिए। देखिए आयन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, पर अगर आप कोई क्या ले लेते हैं, सॉल्ट ले लेते हैं, तो वो डिसॉल्व होकर आयन फॉर्म कर सकता है। तो मैंने जिंक का सॉल्ट लिया ZnSO4, जिंक सल्फेट जो सॉल्यूबल है। इसका आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, एक्वस मतलब इसका वाटर में डिसॉल्व कर दिया है, यानी इस कंटेनर में वाटर है और उसमें जिंक सल्फेट डिसॉल्व है। तो अब आप मुझे बताइए जिंक सल्फेट अगर डिसॉल्व होगा तो कौन कौन सा आयन बनाएगा? तो एक तो Zn 2 प्लस और एक SO4 2 माइनस। यानी आप ऐसा कह सकते हैं इस कंटेनर में टू टाइप के आयन होंगे, पॉजिटिव में जिंक 2 प्लस और नेगेटिव में SO4 2 माइनस। और ये जो रॉड है आपकी डिप कर रखी है, ये किसकी है? जिंक, जो सॉलिड फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड। और ये आयन कौन सी फॉर्म में है? यहाँ पर एक्वस और ये भी एक्वस। देखिए रॉड एटम की बनी हुई है, न्यूट्रल होगी। सॉल्यूशन में ओवरऑल पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, ये भी न्यूट्रल होगा। तो फाइनली आप कह सकते हैं ये पूरा जो सेटअप बना है एक न्यूट्रल सेटअप है, जिसमें मेटल की रॉड है और वो किसके कॉन्टेक्ट में है? उसके खुद के आयन, यानी कि मेटल अपने ही आयन के कॉन्टेक्ट में आ गई है। तो देखिए आयन कहाँ से लाए? फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, बट आपने क्या लिया? इसका सॉल्ट लिया और सॉल्ट को डिसॉल्व करके आयन फॉर्म किए। जनरली इनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। तो जो आयन फॉर्म कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट। तो आपने ये सेटअप जो बनाया इसको जनरली सेल में यूज करते हैं और इसको कहते हैं हाफ सेल। क्या कहते हैं? हाफ सेल। देखिए ऐसे दो सेटअप से मिलकर कंप्लीट आपका गैल्वेनिक सेल बनता है जो जनरली आप यूज करते हैं, जैसे पेंसिल सेल जो आप टॉर्च में यूज कर रहे हैं, रिमोट्स में यूज कर रहे हैं, ये कहलाते हैं ड्राई सेल। और ड्राई सेल किसका टाइप से? गैल्वेनिक सेल, जो अपन को आगे भी डिस्कशन करना है। तो गैल्वेनिक सेल ऐसे टू सेटअप से मिलकर बनता है, यानी कंप्लीट सेल को बनाने के लिए ऐसे दो हाफ सेल आप यूज करते हैं। तो ये फर्स्ट हाफ सेल है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। इस हाफ सेल में क्या क्या आ रहा है? कंटेनर आ रहा है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आ रहा है और उसमें एक मेटल का रॉड आ रहा है। जनरली जो मेटल की रॉड है इसका ही आयन का कॉन्टेक्ट यहाँ होना चाहिए। अब इसको जनरली आप सिंगल को इलेक्ट्रोड कहते हैं, बट वो भी कब कहलाएगा? जब ये इस तरीके से डिप कर दिया जाएगा और सेल में या किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में यूज हो रहा होगा, तब आप इस मेटल रॉड को क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रोड। अदरवाइज सिंपल मेटल रॉड को आप एक रॉड ही मान सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रोड नहीं है जब तक वो किसी सेल के सेटअप में नहीं आए। अब ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये अपने आयन के कॉन्टेक्ट में आ गया। अब इसमें देखिए क्या फिनोमिना होता है। तो इसका फिनोमिना को समझते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर ये जिंक के एटम से बन रही है रॉड, तो ये मान लेते हैं किसका एटम है? जिंक का एटम है। अब होता क्या है, जिंक का एटम जैसे ही अपने आयन के सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना स्टार्ट करता है। इलेक्ट्रॉन Zn कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड। तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। Zn की वैलेंसी होती है 2, या Zn पर चार्ज आ सकता है 2 प्लस, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते ही क्या बन जाएगा? Zn 2 प्लस। तो यहां पर आप कह सकते हैं Zn 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, एक तो बनाएगा Zn 2 प्लस और एक बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो इस रॉड पे रह जाएंगे, यानी इसके 2 पार्ट हो गए, ये तो खत्म हो गया। ये किसमें ब्रेक हो चुका है? Zn 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इस एटम में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो आयन बचा, और जो जिंक है ये तो एटम तो खत्म डिस्ट्रॉय हो गया, इसकी जगह आयन बन गया है या इस कन्वर्ट हो गया आयन। अब जिंक की जगह ये तो स्पेस खाली हो जाएगा क्योंकि ये तो गया, और इसका जो आयन बनेगा वो आयन कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। यानी जैसे ही जो आपका सॉलिड एटम था वो आयन में कन्वर्ट हुआ, आयन बनते ही वो एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आयन बनते ही वो सॉल्यूशन में आ जाएगा।
आयन इस रॉड पे नहीं रुक सकते हैं, इस रॉड पे एटॉमिक फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में ही रह सकता है। अगर ये आयन बनाता है किसी भी तरीके से तो डेफिनेटली कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन। तो फर्स्ट फिनोमिना स्टार्ट हो जाएगा, जो जिंक का एटम है वो रॉड से कहाँ चले जाएगा, सॉल्यूशन में। यानी रॉड पे से धीरे धीरे जो एटम है वो सॉल्यूशन में चले जाएंगे, पर जब तक रॉड पे थे तब तक वो एटम थे, और जब सॉल्यूशन में चले गए तो वो आयन बन गए। क्या बन गए, आयन। और इलेक्ट्रॉन भी सॉल्यूशन में फ्लो नहीं कर सकते, तो ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ रुक जाएंगे, रॉड पे। यानी रॉड पे जो एटम था वो उसका कुछ पार्ट, यानी कि आयन तो चला जाएगा सॉल्यूशन में और ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे रॉड पे। अब देखिए, गया यहाँ से कौन हट जाएगा, एटम, और उसकी जगह यहाँ रुक जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का साइज तो नेग्लिजिबल है, और यहाँ एटम की जगह खाली हो जाएगी, क्योंकि एटम से जो आयन बना है वो आयन तो सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो आप सोचिए, यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट होगा उसको कोई कवर तो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस रॉड का साइज इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो डेफिनेटली इस रॉड का साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो धीरे धीरे आप ये कह सकते हैं रॉड यहाँ पर कंज्यूम होगी और ये Zn2+ बनाकर सॉल्यूशन में आएगी, और इसकी जगह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलकर इस स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। पर इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल साइज के होते हैं इनके कंपेयर में। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे Zn2+ सॉल्यूशन में आएगा, तो सॉल्यूशन में देखिए -2- था और +2 था, अभी तो इक्वल थे, पर सॉल्यूशन में जैसे जैसे Zn2+ आता जाएगा, तो आप ये बताइए कि Zn2+ आने से इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है कि पॉजिटिव। तो डेफिनेटली पॉजिटिव, पॉजिटिव अब 4+ हो चुका है, नेगेटिव अभी भी 2- बना हुआ है। इसका मतलब जिंक आयन आने की वजह से पॉजिटिव का एक्सेस हो जाएगा। अब पॉजिटिव का एक्सेस हो जाएगा, तो मान लीजिए धीरे धीरे सॉल्यूशन तो होता जाएगा आपका पॉजिटिव। और इस रॉड पर क्या था, रॉड पहले न्यूट्रल थी, पर अब इस पर किसका एक्सेस होता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो धीरे धीरे रॉड आपकी होती जाएगी नेगेटिव। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोड है वो तो होता जा रहा है, सॉरी सॉल्यूशन तो होता जा रहा है आपका पॉजिटिव, और आपकी जो रॉड है वो धीरे धीरे कैसी होती जा रही है, नेगेटिव। क्लियर। अब जैसे ही रॉड पे नेगेटिव चार्ज आने लगेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आना लगेगा एक्सेस Zn2+ की वजह से, तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन। अब जैसे जैसे यहाँ नेगेटिव बढ़ेगा रॉड पर, तो रॉड नेगेटिव होती जाएगी, तो नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव। अब सॉल्यूशन में पॉजिटिव कौन है, तो पॉजिटिव ये Zn2+ ही है, चाहे तो ये मान ले जो पहले से प्रेजेंट है या जो अभी बना है। अब ये प्लस वापस से किससे अट्रैक्ट होगा, इस रॉड पे आने वाले नेगेटिव से। तो वापस से ये जिंक जाएगा किस पर, रॉड पर। तो आपका जो Zn2+ है सॉल्यूशन वाला, वो वापस रॉड पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस एटम बनाएगा और यहाँ डिपॉजिट होने लगेगा। यानी यहाँ 2 फिनोमिना स्टार्ट हो जाएंगे, रॉड पे से जिंक का सॉल्यूशन में जाकर आयन बनाना, और सॉल्यूशन के आयन का वापस जिंक पर आकर, रॉड पर आकर डिपॉजिट होना। तो यहाँ 2 फिनोमिना चल रहा है, 2 फिनोमा Zn से Zn2+ बनना और Zn2+ का अगेन डिपॉजिट होना। अब आपको पता है अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो एक टाइम ऐसा आता है जब वहाँ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का मतलब क्या हुआ, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का मतलब हुआ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और रिवर्स डायरेक्शन की रेट क्या हो जाए, इक्वल। यानी कुछ टाइम बाद जो आपका रॉड पर Zn है सॉलिड और सॉल्यूशन में जो Zn+ है, इन दोनों का कंसंट्रेशन फिक्स हो जाएगा। तो इस कंसंट्रेशन के फिक्स होते टाइम ये हो सकता है कि रॉड पर आपका नेगेटिव रुक जाए और सॉल्यूशन में पॉजिटिव, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका रॉड पॉजिटिव हो जाए सॉल्यूशन नेगेटिव। पर इस केस में अगर जिंक की बात करता हूँ, तो जिंक में क्या होता है, जिंक की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। आपने रिएक्टिविटी सीरीज में भी पढ़ा होगा, जिंक काफ़ी ऊपर आता है, हाइड्रोजन से ऊपर आता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, या कहें इसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। तो आप कह सकते हैं यह रिवर्सिबल प्रोसेस है, पर इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रेट ज़्यादा होगी, यानी डोनेट करने वाला रेट ज़्यादा होगा और गेन करने वाला कम होगा। इसका मतलब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ डोनेट कर चुका होगा। यानी आप कह सकते हैं रॉड आपकी नेगेटिव हो जाएगी और सॉल्यूशन आपका
पॉजिटिव, यानी इक्विलिब्रियम आने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि जितने Zn2+ सॉल्यूशन में आए उतने के उतने वापस डिपॉजिट हो जाए। अगर ऐसा होता जितने Zn2+ सॉल्यूशन में आए हैं उतने ही वापस डिपॉजिट हो जाते हैं तो रॉड वापस न्यूट्रल हो सकती थी, पर ऐसा नहीं है। Zn2+ सॉल्यूशन में ज्यादा आएंगे और लौटने वाले कम हैं, आने वाले ज्यादा हैं लौटने वाले कम हैं, तो आप क्या कह सकते हैं ओवरऑल इसमें आ रहे हैं। और जब Zn इसमें आ रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन छूट रहे हैं तो इसका मतलब ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ये जो इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जिसमें आपका इलेक्ट्रोड पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ गया है, रॉड नेगेटिव पोटेंशियल। तो इस रॉड और इस सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बिटवीन है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बिटवीन हो जाता है, रॉड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, रॉड को आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन को आप बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और रॉड या इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को कहा गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो एक्चुअल में एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो किसके बिटवीन हुआ है क्रिएट, सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बिटवीन, इसलिए इसको कहा गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट या मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ इट्स आयन। जो मेटल का इलेक्ट्रोड है उसी के आयन्स हो उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही कहलाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ एक क्लियर हुआ, ये है इलेक्ट्रोड और ये जो जनरेट हुआ इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इस पूरे सेटअप को कहा गया है हाफ सेल, क्योंकि ऐसे दो सेल मिलकर कंप्लीट सेल बनाते हैं, तो हाफ प्लस हाफ इक्वल टू हो जाएगा वन यानी कंप्लीट। तो इसको कहा गया है हाफ सेल, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो क्रिएट हुआ है मेटल और उसके आयंस के सॉल्यूशन के बिटवीन, क्लियर। तो ये वो इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें एक चीज और ध्यान देते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो देखिए अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, क्लियर, अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड कंडीशन में लेता हूं, अब स्टैंडर्ड कंडीशन जनरली ये मानी गई है अगर आपके पास जो सॉल्यूशन है, क्या है स्टैंडर्ड कंडीशन, जितने भी सॉल्यूशन हैं उन सबकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, वन, यानी कि सबकी कंसंट्रेशन यूनिट हो, यानी जितने भी वहां सॉल्यूशन यूज हो रहे हैं इलेक्ट्रोड के साथ या हाफ सेल में उन सभी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यूनिट हो जाए, यानी वन एम कंसंट्रेशन हो जाए। एंड अगर कोई गैस यूज हो रही है तो गैस के लिए कंसंट्रेशन वर्ड यूज ना करके आप प्रेशर यूज करते हैं, अगर उसका प्रेशर वन बार हो जाए, क्लियर, या जनरली आप वन बार यूज करते हैं, पहले इसको वन एटीएम भी कहते थे। तो अगर आपका कोई भी गैस है यानी कोई भी कंपोनेंट आपके पूरे सेटअप में कोई गैस है तो वो वन बार पे ली जाए, और कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन यूनिट ले ली जाए, तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहलाने लगेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां आपकी दो डेफिनेशन हो गई है, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, बस आपने कंडीशन क्या रख दी है, कंडीशन ये है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब कंसंट्रेशन सभी की यूनिट हो वन हो, और गैस है तो प्रेशर वन बार या वन एटीएम जनरली वन बार यूज करते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और थोड़ा सा एक आइडिया मैं आपको दे देता हूं, देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी टू टाइप्स के मेजर किए जाते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब आप स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो कन्वेंशनली जो रिडक्शन टाइप के पोटेंशियल है, इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड में आया है, किसमें आया है, स्टैंडर्ड में। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी पोटेंशियल को आप टू फॉर्म में मेजर कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड, सॉरी किसी भी पोटेंशियल को आप टू फॉर्म में मेजर कर पा रहे हैं एज ए रिडक्शन पोटेंशियल
और एज ए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कौन से पोटेंशियल को स्टैंडर्ड माना गया है? रिडक्शन। तो यहां भी अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूं तो जनरली कौन सा वाला पोटेंशियल यूज हो रहा होगा? रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी आपके माइंड में थोड़ा डाउट आ रहा होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, तो ये भी अभी नेक्स्ट में अपन क्लियर करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कौन सा है? ऑक्सीडेशन टाइप का पोटेंशियल होता है या रिडक्शन टाइप का होता है? तो वो होता है रिडक्शन टाइप का। क्लियर? और क्लियर कर देता हूं, रिडक्शन टाइप का पोटेंशियल ऑक्सीडेशन टाइप का पोटेंशियल क्या है देखिए। तो अगर आपने देखा जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोड में होने वाली वो रिवर्सिबल है। जैसे मैं इसी की बात करता हूं, अगर इस रिएक्शन की बात करता हूं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। जैसे Zn है और Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी रिवर्स रिएक्शन हो रही है। तो इस रिएक्शन को मैं दोनों साइड से देख सकता हूं, या तो मैं इधर से देखता हूं कि Zn कन्वर्ट इनटू Zn 2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो रहा है ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, या कहें तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इस केस में अगर मैं इसका पोटेंशियल मेजर करूंगा तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन में आप दूसरी साइड से भी रिएक्शन को लिख सकते हैं, यानी अभी तो आपने इधर से इधर लिखा है, अब आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे? कि Zn 2 प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बना लेता है? अगेन Zn। तो ये क्या हो रहा है? Zn 2 प्लस से Zn बन रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो इस टाइप के पोटेंशियल को नाम दिया जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब आप बताइए कि इसी रिएक्शन के लिए दो टाइप से मैं पोटेंशियल शो कर सकता हूं, एक तो ऑक्सीडेशन फॉर्म में शो कर सकता हूं और एक रिडक्शन फॉर्म में शो कर सकता हूं। क्लियर? तो ये हो गया ऑक्सीडेशन फॉर्म में, रिडक्शन फॉर्म में। अब जब इसी रिएक्शन के लिए दोनों टाइप से शो कर सकते हैं तो स्टैंडर्ड किसको लिया गया इसमें से? रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब भी आप रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल को, जनरली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूं या ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल को मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं और ये रिडक्शन के लिए आर ई डी लिख देता हूं, और ऐसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं ओ एक्स आई डी लिख देता हूं। तो ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिएक्शन एक ही है, बस उसकी रिवर्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम दिया है। और इनमें रिलेशन होता है रिडक्शन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव में है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। यानी आपका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस। यानी आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? प्लस में। तो क्लियर सा कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू पॉजिटिव में है उसको नेगेटिव में लिख देते हैं तो रिडक्शन बन जाती है, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू नेगेटिव है उसका साइन चेंज करके पॉजिटिव कर देंगे तो वो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। यानी आप कह सकते हैं दोनों की मैग्नीट्यूड या वैल्यू सेम होता है, केवल साइन चेंज होते हैं। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको ऑक्सीडेशन दे रखा हो उसका साइन चेंज कर दीजिए तो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, और रिडक्शन दे रखा हो उसका साइन चेंज कर दीजिए तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। तो जब चाहे आप इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर स्टैंडर्ड किसको लिया गया है? रिडक्शन पोटेंशियल को। तो जब भी आपको कुछ नहीं दिया हुआ है कि किस टाइप का पोटेंशियल है तो आपको मानना है वो जो गिवन पोटेंशियल है वो कौन सा पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर? तो आप यहां आपको क्लियर हो चुका है, पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप्स के हो गए, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ये एक ही रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, वैल्यू सेम होगी बट इसका साइन क्या होगा? चेंज। उसका लॉजिक ये है कि जितना इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना डिफिकल्टी उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने में आएगी, यानी इधर से पॉजिटिव है तो उधर से नेगेटिव। चलिए बाकी नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।